14 अगस्त हम बहुत सादगी से मनाते हैं और शुक्राने के नफल पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि हमारे जो बड़े हैं उन्होंने कुर्बानियाँ देखी हैं, कुर्बानियाँ दे के आए हैं वहाँ, इसीलिए वो जो ना वो जो बाजे बूजे शोर शराबा ये वो लोग पसंद नहीं करते थे। इधर आए ना वाघे बॉर्डर पर अमृतसर से, तो हमारी दादी बताती थी कि हमने जैसे ही कदम रखा है पाकिस्तान बॉर्डर पर, तो हमने शुक्राने के नफल पढ़े थे, अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि या अल्लाह शुक्र किया। देख रही थी हमारी दादी, कहती थी कि जब आप काफिला हमारा उधर से रवाना हुआ है ना, हमने 3 दिन तो खाया ही कुछ नहीं है, सिर्फ ये लाशें देखते आए हैं, किसी की गर्दन कटी है, किसी का बाजू कटा है, किसी का कुछ हो रहा है, बस ये कत्लेआम ही देखते आए हैं। तो बहुत डरे थे वो, तो कहते थे कि हमारे अंदर तो एक नवाला नहीं जाता था कि जो हमने सीन देखे हैं पाकिस्तान के। तो जो जो अब जो इधर देखते थे ना लोगों को ढोल ढपके बाजे, तो उनको बहुत बुरा लगता था। अस्सलाम के नाज़रीन, नुरुद्द 5 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया अली। नाज़रीन, लोग जो है आज 14 अगस्त मना रहे हैं और बड़े जोश व खरोश के साथ 14 अगस्त मना रहे हैं। लोगों ने घरों की छतों पर जो है परचम लगाए हुए हैं, घरों में झंडियां लगाई हुई हैं और बच्चे जो है बाजे बजा रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं हर तरफ। अभी भी आपको मेरे इंटरव्यू में आवाज आ रही होगी बाजों की, लेकिन आज जो शख्सियत जो इंसान हमारे साथ मौजूद है वो इतनी मुनफरिद और आला किस्म से जो है 14 अगस्त मनाते हैं। इससे बात करते हैं किस तरह 14 अगस्त मनाते हैं और इतना मुनफरिद तरीका जो है क्यों आज भी 77 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को आजाद हुए, लेकिन आज भी ये उसी तरह जिस तरह पहले लोग मनाते थे उस तरह क्यों मनाते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। से मुझे बताइएगा कि आज 77 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को आजाद हुए, सबसे पहले जश्न आजादी आपको मुबारक हो। खैर मुबारक। कैसे मनाते हैं 14 अगस्त? 14 अगस्त हम बहुत सादगी से मनाते हैं और शुक्राने के नफल पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि हमारे जो बड़े हैं उन्होंने कुर्बानियाँ देखी हैं, कुर्बानियाँ दे के आए हैं वहाँ, इसीलिए वो जो ना वो जो बाजे बूजे शोर शराबा ये वो लोग पसंद नहीं करते थे। वो हमारे बड़े कहते थे कि आप जब भी 14 अगस्त आए आप शुक्राने के नफल पढ़ें और घर में कोई खाना शाना बनाएं और बच्चों में बांटें कि शुक्र है अल्लाह का कि हमारा पाकिस्तान बना, हम पाकिस्तान खैर खरीत से हम पाकिस्तान में आए। इतने साल हो गया कि आप इतनी सादगी से 14 अगस्त मनाते हैं? जब का ये पाकिस्तान बना हुआ है बड़े ऐसे मनाते आ रहे हैं। तो वहीं से आपने सीखा? हाँ जी, बड़ों ने समझाया, बड़ों ने सिखाया, जैसे वो करते थे वैसे ही हम कर रहे हैं। कहते हैं माहौल के साथ वक्त के साथ साथ जो है इंसान बदलता है और माहौल के साथ डेवलप होना चाहिए, तो आप क्यों नहीं हुए? आजकल तो बच्चे जो है बाजे बजाते हैं, आपका कभी दिल नहीं किया? नहीं नहीं, हमारे बच्चे भी नहीं बजाते, हमारे बच्चों से भी बात करेंगे वो भी यही कहेंगे कि हम बाजे बूजे ये नहीं बजाते, बहुत सादगी से ऐसे मनाते हैं, रिश्तेदार बुलाते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो और बस कुछ ही घर में पका के बच्चों में बांटते हैं, खुद रल मिल के खाते हैं और छत पे बस झंडे परचम लहराते हैं, बहुत सादगी से। सही। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आज 77 साल हो चुके हैं, लोग इतनी खुशी मनाते हैं आजादी की, जो आपके पिछले हैं आपका ददयाल, आपके दादा परदादा, उन्होंने किस तरह जो है मुल्क आजाद करवाया, किस तरह आजादी हासिल की, क्या इतनी आसान थी जो लोग इस तरह खुशी मनाते हैं? नहीं नहीं, बहुत मुश्किल थी, क्योंकि उन्होंने तो कुर्बानियां दी है, कुर्बानियां सामने देखी है, कैसे कत्लेआम हुई है, कैसे खून बहाया गया, क्योंकि चारों तरफ हमारे बड़े कहते थे कि खून ही खून, ब्लड ही ब्लड नजर आ रहा था और कत्लेआम हो रही थी। हम तो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर इधर आए हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा किया। हम जब इधर आए ना वाघे बॉर्डर पर अमृतसर से, तो हमारी दादी बताती थी कि हमने जैसे ही कदम रखा है पाकिस्तान बॉर्डर पर, तो हमने शुक्राने के नफल पढ़े थे, अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि या अल्लाह शुक्र है तेरा कि जितने जी भी आ गए हैं बच के, शुक्र है तेरा अल्लाह। मुश्किलात क्या देख रही थी हमारी दादी, कहती थी कि जब आप काफिला हमारा उधर से रवाना हुआ है ना, हमने 3 दिन तो खाया ही कुछ नहीं है, सिर्फ ये लाशें देखते आए हैं, किसी की गर्दन कटी है, किसी का बाजू कटा है, किसी का कुछ हो रहा है, बस ये कत्लेआम ही देखते आए हैं। तो बहुत डरे थे वो, तो कहते थे कि हमारे अंदर तो एक नवाला नहीं जाता था कि जो हमने सीन देखे हैं पाकिस्तान के। तो जो जो
अब जो इधर देखते थे ना लोगों को ढोल ढपके बाजे, तो उनको बहुत बुरा लगता था, वो कहते थे कि ये बहुत गलत कर रहे हैं। इधर आके तो वो बदल ही गया ना, वो बदले क्या है कि वो तो इतने डर गए थे, खौफ ज्यादा हो गए थे कि हमारे साथ हुआ क्या है, मुसलमानों के साथ क्या किया इन्होंने, कि इकट्ठे आजाद हुए हैं तो इन्होंने हमारे जो हमसाए थे उधर उन्होंने तलवारें निकाल ली थी। क्योंकि मुसलमान तो आपस में कहते थे हिंदू हो सिख हो सब भाई भाई हैं और बड़े अच्छे से वहां रहते थे। नहीं नहीं, ये जो कत्लेआम की थी ये सिर्फ सिखों ने की थी, हिंदुओं ने नहीं की थी, जो हमारे बड़ों ने बताया था। क्योंकि ये कत्लेआम जो है ना, ये उनके हमसायों ने जो उनके साथ रोजाना मिलते थे उन्होंने की थी। अच्छा, इतना बदल गए, इतना बदल गए वो यकदम, तो इसलिए वो बहुत डरे हुए थे। आज भी उसी तरह मनाते हैं जैसे हमारे बड़े दादे जो मेरे वालिद साहब, वैसे ही हम मनाते हैं, इसी तरह आगे हमारे बच्चे वो भी ऐसे ही। कोई भी माशाल्लाह से नस्लें और पुश्ते जो हैं ये सिलसिले से चल रही हैं कि आपकी दादी ने पहला कदम जब पाकिस्तान में रखा तो सजदा जो है किया, सजदे से शुरू किया, तो आज तक कितनी नस्लें हैं जो सजदे तक है। मेरे माशाल्लाह चार नस्लें जा रही हैं, पांचवी आ गई है, हमारे बेटे आ गए। तो इनकी बातें तो आपने सुनी, दोबारा इनसे बात करेंगे। छोटा बच्चा जो इनकी नस्ल है और आगे इनकी नस्ल को ये बढ़ाएंगे, इस बच्चे से बात करते हैं कि इन्हें वालिद की बातें पसंद आती हैं, वो जिस तरह रहते हैं वो पसंद है या अपने तरीके से जो है वो मनाते हैं 14 अगस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? हमाद। हमाद, हमाद क्या करते हो? हम 14 अगस्त में। अच्छा, पढ़ते हो? जी। कौन सी क्लास में? 3 में। 3 क्लास में। अच्छा मुझे ये बताओ 14 अगस्त कैसे मनाते हो, कितने के बाजे? मुझे वैसे कोई बाजा नजर नहीं आ रहा, कितने बाजे खरीदे? 1 महीने। 1 महीने क्यों? वो जो हम जो हमारे बड़े कहेंगे हम वो ही करेंगे, हमारे बड़ों ने हमें मना किया इसलिए हम नहीं लेंगे। कितने साल हो गए मना हुए? जबकि मैं 3 साल का था तब। अच्छा, के दोस्त बच्चे जो हैं वो बजाते होंगे, वो आपको कहते हैं, आप उन्हें मना करते हैं या आप इनके साथ शौकियां तो मारते हो? नहीं, मना करते हैं। अच्छा, तो कभी दिल नहीं हुआ कि वो बजाते हैं तो मैं भी बजाऊं? कभी भी नहीं। अच्छा, 14 अगस्त कैसे मनाते हो? हम घर में डंडियां लगाते हैं, घर को सजाते हैं, परचम लहराते हैं छत के ऊपर जाके। अच्छा, और मीठी चीजें बांटते हैं भाई। मीठी ही क्यों बांटते हो? बस खुशी की वजह से। खुशी की वजह से। अच्छा, और आज आपने कपड़े जो है वो भी ग्रीन पहने हुए, सही 14 अगस्त जो है मना रहे हैं, और वाले साहब जो है उनकी जो मोहब्बत है पाकिस्तान से, जो लगन है वो आगे डेवलप हो रही है अगली नस्ल में, बच्चों में।